हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। फोटोशॉप में एक हिस्ट्री ब्रश टूल होता है, ये वाला, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर से क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। तो आप इसको बिना समय गवाए इसके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो इसमें हम फोटोशॉप में बिगनर से लेकर एडवांस तक का सारे ट्यूटोरियल्स इसमें डालते हैं, तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फोटोशॉप में और करते हैं कुछ हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इमेज ले आते हैं। यहाँ पर इमेज लाने के लिए आपने क्या करना है, इमेज पकड़ी और इसको यहाँ पर से ड्रैग कर लिया और यहाँ पर ड्रॉप कर लिया, ठीक है। जैसे इमेज अब यहाँ पर आ गई तो सबसे पहले होता क्या है, हिस्ट्री, मैं आपको ये हिस्ट्री विंडो के बारे में बताता हूँ। हिस्ट्री विंडो एक विंडो है जो क्या करते हैं, आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी एक हर एक ऑपरेशन की हिस्ट्री बनते हुए चली जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने एक ब्रश टूल लेके ये करा तो यहाँ पर ये देखिए ब्रश टूल की एक हिस्ट्री बन गई। फिर ये देखिए ये करा तो ये एक एक हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री में ये सेव हो रहा है। अगर मेरे को बैक करना है तो मैं यहाँ पर से जाऊँगा तो ये सारे के सारे स्टेप जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। तो ये स्टेप यहाँ से बैक हो सकते हैं। और ये मैक्सिमम जो हिस्ट्री सेट करता है वो आप यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 20 करता है। आपने करना है एडिट में जाना है, उसके बाद यहाँ लास्ट में प्रीफ्रेंस में जाना है और यहाँ पर जनरल में जाना है। जनरल में जाते ही यहाँ पर ये देखिए हिस्ट्री स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर 50, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है 20 होता है, मैंने इसको 50 सेट कर रखा। आप इसको चाहें तो 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 और उसके बाद यहाँ पर से ओके कर देना है। तो ये नेक्स्ट टाइम से जब भी आप सेव कर, जब भी ये हिस्ट्री सेव करेगा तो ये 100 हिस्ट्री सेव करेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए हो गया। और अब क्या करते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई भी इमेज लेके आते हैं फोटोशॉप में तो उसकी एक फोटो बन जाती है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है एक स्क्रीनशॉट बन जाता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पर से डिसैचुरेट कर लेते हैं इस इमेज को। तो कहने का मतलब ये डिसैचुरेट हो गई है, ग्रे स्केल में आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसकी एक फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के लिए ये डिसैचुरेट जो हिस्ट्री में आ गया है यहाँ पर, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ये कैमरे का आइकन बना हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास दो क्या बन गई है, इमेज बन गई है। एक तो ये है ग्रे में और एक ये है ओरिजिनल जो हमारी कॉपी थी, ठीक है। उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, इसी में एक और इफेक्ट डाल देते हैं। हम जाते हैं फिल्टर में, फिल्टर के बाद हम इसमें जाते हैं आर्टिस्टिक में और यहाँ पर से हम क्या करते हैं पोस्टर एज हम इसमें ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये पोस्टर एज जो है, चलिए सही लग रहा है, इसको हम ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए एक इमेज, इसको फिर क्या करते हैं हम इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हमारे पास तीन स्क्रीनशॉट हो गए, एक ओरिजिनल है, एक ग्रे स्केल में है और एक क्या है आपका पोस्टर में है। तो अब क्या करते हैं, हमने करना क्या है एक्चुअली, हम क्या करते हैं इस वाली इमेज से हम उठाएंगे ये चेहरा, या इस वाली से उठाएंगे या इस वाली से उठाएंगे हम ये पूरा जो मेरी फोटो है, और बैकग्राउंड जो हम उठाएंगे वो ये वाली इमेज से उठाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा लेते हैं। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और कर्व्स में जाते हैं और इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, गोरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस इसकी बढ़ गई है तो, और इसको भी हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो हमारे पास चार स्नैपशॉट हो गई, ठीक है। अब हम क्या, हमने क्या करना है, यहाँ पर लेयर में आए, लेयर में हमने क्या करना है एक नई लेयर बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट लेयर में क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक तो ये ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर है और दूसरी जो है हमारे पास नई लेयर है। तो हम अगर इसको नई लेयर ऐसे ना बनाएं, इसको डिलीट करते हैं हम और एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए न्यू लेयर है, क्रिएट न्यू लेयर, इसमें हम क्लिक करेंगे तो एक ये ट्रांसपेरेंट लेयर बन गई। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट लेयर में काम करेंगे। तो ये भी आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं इसको छिपा दूँ बैकग्राउंड वाले को तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट लेयर आ गई। तो अब क्या करना है, हमने हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्ट्री ब्रश का टूल आप कैसे, टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, ये वाली इमेज पूरी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से हिस्ट्री में जहाँ पर थे न्यू लेयर में आ गए और यहाँ पर से आपने क्या करना है, इस साइड नहीं इस साइड क्लिक करना है। तो इस साइड, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ये देखिए सोर्स हमने जो करना है वो सेट करना है ब्रश के लिए। तो ब्रश के लिए हमने सोर्स कौन सा सेट कर दिया, ये वाली फोटो।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से हिस्ट्री ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हिस्ट्री ब्रश टूल हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर से इसका ब्रश का साइज जो है हम बड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है ये वाली जो स्क्रीनशॉट थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए बैकग्राउंड जो है वो हमें चाहिए ग्रे में। तो हम क्या करते हैं बैकग्राउंड के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर से फिर से इसको पेंट करने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से हमने ये पॉलीगन लेसो टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैजिक वाला कर लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। तो मैजिक लेसो हमने सेलेक्ट करा और इसको एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको बता देते हैं कि हमने जो इफेक्ट अप्लाई करना है वो किस एरिया में करना है। तो यहाँ पर से हम इसको फटाफट कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, इसको हम फटाफट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उतनी क्लियरिटी नहीं है आ पाएगी क्योंकि मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप जब भी करें तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके करें तो इसमें क्लियरिटी अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसका सिलेक्शन इन्वर्स कर देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट इन्वर्स कर देते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा ये वाला जो एरिया है सेलेक्टेड हो गया। अब हमने क्या करना है हिस्ट्री ब्रश टूल लेना है और हमने इसको बता रखा है कि हमारी जो हिस्ट्री लेनी है सोर्स कौन सा है ये वाला स्नैपशॉट है। तो अब हम इसको क्या करते हैं बिना इसका ख्याल रखे क्योंकि ये हमने जो एरिया है इसको डिफाइन कर दिया कि किस एरिया में इसने करना है। तो अब हम इसको फटाफट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको बता दिया। अब हम इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल डी से डिसलेक्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो छूटा हुआ आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है हिस्ट्री ब्रश टूल ले रखा है और यहाँ पर से हमने ये वाला इसको सोर्स बता रखा है। तो हम क्या करते हैं अब इसमें कोई एक ब्रश का जो है चेंज कर लेते हैं। ब्रश हम ले लेते हैं कोई एक अच्छा सा जिसमें थोड़े से बाल बाल जैसे भी लग रहे हों। तो हम ये वाला ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्रश का हम शेप इसको बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं इसको पेंट करना शुरू करते हैं। तो देखिए ब्रश से ये काम होने लग गया और यहाँ पर से हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं कंट्रोल जेड करते हैं थोड़ा सा खराब हो गया। तो हम इसको पहले जूम कर लेते हैं ऑल्ट दबाते हैं और स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर से हम काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं। सही है, तो ये ज़्यादा सफाई से नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप जब भी करें इसको थोड़ा सा सफाई से आराम से रुक के करें। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो नाक है वो थोड़ी सी कट गई है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बराबर लेवल में शायद ले आए। तो मेरी पूरी नाक कट गई है इसको हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जीरो से हम इसको क्या करते हैं फुल स्क्रीन में ले आते हैं। अब यहां पर ये देखिए नाक के वहां पर थोड़ा सा एरिया जो है वो रह रहा है। तो हम इसको बताते हैं कि अब हमारा जो है सोर्स हम इसको बताते हैं ये वाला जो स्नैप है इससे सोर्स लेना है और यहाँ पर से हम अपनी नाक कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऑल्ट से और ब्रश जो है चेंज कर लेते हैं ये वाला ले लेते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया, कंट्रोल जेड कर लेंगे यहाँ पर से नाक में जो है ये वाला एरिया हमने कंट्रोल जेड करते हैं।
कंट्रोल जॉइंट, कंट्रोल जीरो। तो देखिए जो हमने ये बैकग्राउंड क्या कर दिया, हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, और ये हमारा जो एरिया है जो मेन जो है फोरग्राउंड में ये कलर, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया रह रहा है, इसको भी हम यहाँ पर से सोर्स बताते हैं ये वाला, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर से कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया मैच हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर भी रह रहा है, तो पैचेज जो है हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर से भी जो है। कंट्रोल जीरो, तो ये देखिए इमेज बन गई है। तो ऐसे हिस्ट्री ब्रश टूल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले इमेज कैसी थी और अब इमेज कैसी है। तो देखिए पहले इमेज ये थी और अब इमेज जो बनी है वो ये बनी है। ठीक है, सबसे पहले की जो इमेज थी, सबसे पहले की इमेज ये है, सबसे पहले इमेज ये थी और अब जो इमेज बनी है वो हमारी बनी है इधर ये वाली। ठीक है, तो देखिए ये भी थोड़ा सा गोरा हो गया और ये बैकग्राउंड जो हो गया काला हो गया। तो देखिए इमेज जो है इसमें हम ऐसे इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो यहाँ पर देखिए लाइक बटन होगा, इसमें लाइक करके, लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया, और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लिख के कि आपको अच्छा लगा, अगर आपको नहीं लगा तो यहाँ पर डिसलाइक करिए और मुझे बताइए कि आपको ये क्यों अच्छा नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल। ये देखिए यहाँ पर से तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय एंड टेक केयर।